देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीम इंकलाब जिंदाबाद। जी जी जी, और कैसे हो? खैरियत है? आपकी दुआ है हजरत। उम्मीद है अल्लाह के साथ से आप खैरियत से होंगे। बेशक अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। आपका वीडियो देख रहा था कि अभी आपने पूर्व से जो है तो इरादा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जी हजरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। आजिम भाई, एक बात की जरिए थोड़ा सा, एक 30 ट्रैक्टर लग रहे थे यहाँ पे भर्ती जब तक अपने नारेगांव में, बहुत हालात खराब है जरा। हजरत, मैंने पिछले मरतबा जब चुनाव लड़ा था तब भी मैंने नारेगांव का दौरा किया था और मैंने ये बोला था कि मैं यहाँ के सारे रोड विकास कार्य करूँगा। जी जी, लेकिन अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि पिछले विधानसभा में भी मुझे वहाँ से वोट नहीं पड़े थे। तो वोट पड़े तो अपने को विकास करना है। देखिए हजरत, काम करने के लिए ही हम विधायक। अरे सोशल वर्क ये नहीं देखता कि मुझे वोट कहाँ से पड़े, सुनिएगा, सोशल वर्क किसको बोलते हैं, मेरे को यहाँ से वोट गिरे या नहीं गिरे, लेकिन मैं विकास करूंगा, सुनिएगा, उसको बोलते हैं सोशल वर्क। ऐसा नहीं कि भाई मुझे यहाँ से नहीं गिरे तो मैं यहाँ का काम नहीं करूंगा, वहाँ से वोट नहीं गिरे तो फिर मैं यहाँ से काम करूंगा। हालांकि तो यानी भाई सोशल वर्क उसको कहते हैं कि तमाम, यानी तमाम जाति के लोग, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसका सोशल वर्क होता हो, यानी भाई सिर्फ मुसलमान का सोशल वर्क नहीं, सुने क्या? और एक महल्ले का नहीं, दो महल्ले का नहीं, तीन महल्ले के तमाम महल्लों के तमाम बस्ती के अंदर जो रहता है तो सोशल वर्क उसको कहते हैं। या ऐसा नारेगांव के तमाम मसाइलों से वाकिफ हूँ और मैं उसी पर काम करना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुझे लोग समझ नहीं पा रहे। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे विकास कार्यों के लिए चुने, अपना प्रतिनिधि, ताकि मैं जनता को सेवा दे सकूँ। क्या वीडियो देखते नहीं तुम? चाणक्य, चाणक्य जो था ना, सुने क्या जी? यहाँ चाहत नहीं, वहाँ जाना नहीं जी। अब जब तुम्हारी चाहत ही नहीं है जनता के अंदर, तो फिर जाना क्यों? पहले चाहत को बनाओ, पहले बनाओ। ये मत बनो कि भाई जैसा खाजा जो है ना जी, खाजा जो खड़े थे ना इलेक्शन में, वैसा अपना क्रिएटर मत बनाओ, अपना एक अलग वर्ल्ड बनाओ जी, जैसा वो मत बनाओ। मेरा एक कहना है कि भाई थोड़ा सा कैसा नारेगांव में 100-200 ट्रैक्टर की बहुत जरूरत, सख्त जरूरत थी, बहुत हालात खराब है अभी। सबसे पहली बात तो नमाजियों को जो है तो जाने की दिक्कत हो रही है, और बच्चों को मकतब के लिए बहुत परेशानी हो रही है, और स्कूल के बच्चे हैं पहली से लेके तो यहाँ 10वीं तक स्कूल है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो मेरा एक कहना है कि अभी 30-50 ट्रैक्टर आप डाल देंगे तो बहुत आपकी बड़ी एक मेहरबानी हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला मैं 30-35 ट्रैक्टर की नहीं बल्कि पूरे नारेगांव के रोड और ड्रेनेज और पानी की समस्या सुलझाने के लिए महापालिका आयुक्त का दौरा। वो जाने दो, अरे भाई वो जाने दो, वो बात का काम है, वो निवेदन का काम है, वो सालों गिनती चलता रहता है, लेकिन अभी निवेदन वाला मामला नहीं है। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर होना पड़ता। मैं वादा करता हूँ कि महापालिका आयुक्त को आपके 8 दिन के अंदर वहाँ पर दौरा करवाऊंगा और वहाँ की समस्याओं से अवगत कराऊंगा महापालिका आयुक्त को। अरे वो जाने दीजिए, अजीम साहब मेरी बात सुनिए आप, मैं आपका वो चाहने वाला हूँ, आपकी चाहने वालों में से हूँ, मेरी बात आप सुनिए अजीम साहब। अभी फिलहाल वो लोगों को निवेदन का जाने दो, ऐसे बहुत करें। निवेदन वाला मामला नहीं है। अरे सुन लीजिए अजीम साहब, बड़े बड़े वहाँ पे लोगों ने मोर्चे निकाले, वहाँ पे शोर शराबा करे, तमाशा करे, यहाँ के पब्लिक को लेके गए, मसला सॉल्व नहीं हुआ। एक मेरा कहना है कि 30-50 ट्रैक्टर आप डाल दीजिए, आप कब डाल रहे हैं मुझे बताइए। मैं वादा नहीं करता लेकिन करूंगा इंशाल्लाह। अरे नहीं ना, ऐसा नहीं ना, वादा नहीं ना, देखो कब डाल रहे, कल परसों? मैं वादा नहीं करता। साहिबान पठान साहब एक अच्छे समाज सेवक है, आप वादा नहीं करता लेकिन करने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। कोशिश तो बहुत करते रहते हैं यार लोग, कोशिश, देखो कोशिश नहीं, कोशिश में और काम करने में बहुत फर्क होता है। वादा नहीं करता लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह।
सुनिए ना आजम साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो लकड़ी लेकर पीछे पड़ गए। अरे नहीं ना भाई, देखो भाई दावेदार को तो मेरे को पूछना है ना, जो भी दावेदार करेंगे मैं पूछूंगा उनको। बोल तो रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला मैं जो भी दावा, अरे भाई जो भी दावा करेंगे, एक काम करो मैं आपको समर्थन करता हूँ, यहाँ पे कम से कम 200 ट्रैक्टर डाल दीजिए, मैं समर्थन करता हूँ, करता हूँ इंशाल्लाह। कब डालते हैं बोलिए, वादा करो उससे। मैं लगाता हूँ, फोन लगाता हूँ। अरे सुनिए नाजिम साहब, देखो आपने दावा किया ना, तो भाई इधर पूर्व से दावा किया ना आपने, 200 ट्रैक्टर आप कब डाल रहे बोलिए। बोलता हूँ शायद भाई, बोलता हूँ इंशाल्लाह। नहीं ना यार, तो मैं समर्थन कर रहा हूँ आपको भाई, मैं जज़ाकुमुल्लाह खैर। जो भी इधर से इधर का दावेदार करेगा उसको पहले मैं यही मांग करूंगा भाई, कम से कम थोड़ा सा हमारे मसाइल है ये आप सॉल्व कर दीजिए, आप तुम्हारे साथ में। जज़ाकुमुल्लाह। अरे हाँ भाई, मुझे आप पर विश्वास है, मुझे आप पर भरोसा है, आप मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह ताला। अरे हाँ भाई, लेकिन कब ऐसे देखो यार भाई कुछ भी, अरे पहले काम होना ना पब्लिक का, जनता का, करते हैं इंशाल्लाह। आता हूँ मैं। कब करते शाम में, शाम में आता हूँ मैं। शाम में थोड़ी दौरा होता है, दौरा तो दोपहर में 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, 5 बजे, 4 बजे। काम करो, असर की नमाज में वहीं पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। दौरा करेंगे आप? जी बिल्कुल। देखो बोला मैंने आपको जबान दे दिया, असर में मैं वहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ। पढ़ने से नहीं, वहाँ पे वादा कर रहा है आपको सबके सामने कि मैं 100 ट्रैक्टर 200 ट्रैक्टर डाल रहा हूँ यहाँ करके। ठीक। हाँ जी। हाँ जैसा जो भी दावा करेंगे सर पूर्व से, तो मैं उसको पूछूंगा ना भाई, पहले यहाँ पे 200, 300, 500 ट्रैक्टर डालो। अब बड़ा कभी बड़ा नेता आएगा तो उसको बोलूंगा 700 ट्रैक्टर डालो। जी जैसा मैंने गुलिस्ता साहब 450 छोटी हवाई आती है, छोटा हवा 2 बरस का 450 ट्रैक्टर डाला था। कितने? 450 ट्रैक्टर वो बड़ा हवा यार, दो बरस का। अरे एक कितने में आता मालूम है आपको? 2000 में आता हो। कितने आता? 2000 में आता, 2200 रुपए। ठीक है साहिब भाई, मैं आपको आकर वहाँ पर फोन करता हूँ, असर साथ में मुलाकात करेंगे। मैं पूरी जनता जमा करूंगा आपको भाई, बोलूंगा कि इनको पकड़ कर बोलो आप दावेदार है कि कम से कम आप यहाँ पे 100 ट्रैक्टर डाल रहे, छोटा हाईवे 2000 का, 2000 का मतलब 100 डाल दो कितना, 2 लाख रुपए का हो रहा बजट। हाँ कंप्लीट हुई, ड्रेनेज लाइन कंप्लीट हो गई वहाँ पर। अरे कहीं भी नहीं है ड्रेनेज लाइन की, कब डाल रहे ड्रेनेज लाइन बोलो? यानी ड्रेनेज लाइन हुआ कि नहीं हुआ? ना नहीं, बिल्कुल नहीं है, 10% हुआ ड्रेनेज लाइन, 90% की बात। सुनिए ना हम अपने को पहले जो है ना ड्रेनेज लाइन पर काम करना पड़ेगा। अरे बहुत आए ऐसे, बहुत देखा मैंने आजिम भाई, बहुत देखा मैंने ऐसे चिट्टू मिट्टू लोग आए ना, ऐसी आश्वासन देके चले गए। नहीं नहीं साहेब भाई सुनो मेरी बात। मैं मेरा काम करने का तरीका अलग है, मैं बुनियादी मसलों पर काम करता। अगर मैं आपको आश्वासन दे दूंगा कि मैं मुरम डाल दूंगा तो काम गलत है। देखो अपने को स्टार्ट से नीचे से काम करना पड़ेगा। अब क्यों मैंने तो बोला मैं मुरम में डालना है? अरे भाई मैंने जब भी अगर जनता के अंदर रहेगा कि वहाँ गया मैं, अरे भाई साहब खान मेरी मीटिंग ली लोगों ने, साहब खान साहब मुरम डालना है, ठीक है ऑर्डर दो, फौरन वहाँ जाकर ये चर्चा लिया, मीटिंग लिया और फौरन वहाँ से ऑर्डर किया, फौरन गाड़ी मंगाया मैंने, उसको बोलते काम। ऐसा कुछ करो जो पूर्व के दावेदार है ना, पूर्व के दावेदार रहेंगे उसको मैं यही सवाल करूंगा। ठीक है साहब, मैं फोन लगाता हूँ असल में आने के बाद, जजा कर लूँ। नहीं ना ऐसी कोई बात नहीं ना आजम भाई, बिल्कुल आपको यहाँ पे भर्ती कम से कम 200 ट्रैक्टर डालना पड़ेगा, निकलना करेंगे इंशाल्लाह। नहीं डालना पड़ेगा, थोड़ा तुम्हें फैसला लेना पड़ेगा तुम्हारे, बिल्कुल इंशाल्लाह होता है। नहीं तो जो भी पूर्व का इधर दावा करेगा मैं उसका गिरेबान पकड़ूंगा। जी जी हाँ जी जी गिरेबान पकड़ूंगा, गिरेबान जी हाँ, कोई भी अंदर पे तुरंगा। ठीक है जी, आदाब सत श्री अकाल नमस्कार, औरंगाबाद में हैं और आप सब देख रहे हैं औरंगाबाद तक, देखते रहें नाम न बदल जाए जब तक, कह नहीं सकते कब नाम बदल दे यार, इतना खूबसूरत नाम है औरंगाबाद, हमारी 3 पीढ़ियों से यही बोलते आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं हम भी यही बोले हैं, हमारे बच्चे भी यही बोले, तो आप देखें औरंगाबाद तक। थैंक यू भाई जान, थैंक यू जी, अरे वाह।